हम बाप के पैसों पे नहीं उछलते, कमाते हैं तो उड़ाते हैं। अजी हम बाप के पैसों पे नहीं उछलते, कमाते हैं तो उड़ाते हैं। और हमसे दूरी बनाए रखना भाई साहब। क्यों तेरे मुझसे पांच का बदबू आता है? लोग भी दूर रहना गाइस मेरे से। आज मुझे रेड कास्ट मिला तो मैं सारा जगह ढिंडरा पीट दिया। फिर मुझे पता चला कि ये सबको मिला है, तो मैंने जिंदगी में डिसीजन ले लिया कि मैं भी 200 रेड कास्टों में पटपट करूंगा। सीधा सीधा टपटप नहीं बोल सकता हूँ समझो। तो मैं वाल चैट प्रीव्यू जरा था, दो भिक मंगे आ गया, वो भी नाम देखो भाई पागल लिमिटेड राइस का। इनको देख के मुझे इतना खुशी नहीं हुई ना, मैं क्या बताऊं, मुंह से बयान नहीं कर पाऊंगा इतना गाली निकलेगा। ये वही बंदे है जिनके पास 100 कस्टम होगा लेकिन फिर भी दूसरों के कस्टम पे खेलने के लिए बैठा रहेगा। वैसे मैं भी ऐसे ही हूँ लेकिन इनमें और मेरे में एक बहुत बड़ा फर्क है, वो ये है कि मेरे पास अभी बस 90 कस्टम ही है, तो अगले हफ्ते 91, उसके बाद 92, बाकी तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो। वैसे मुझे लगता है ना मेरा हिम्मत का ताप देनी पड़ेगी भाई, अकेला दो अनजान लोगों के खिलाफ खेल रहा हूँ। मैं तो अनजान लोगों के साथ बात करना भी मना था लेकिन अभी मैं खेल रहा हूँ समझो, कितना तरक्की कर वो भी राइस्टर और पागल लिमिटेड के साथ, जो किसी मेरे साथ खेलने वर्ल्ड चैट से आ गया। ठीक है फेंक है तो क्या हुआ, व्यूज के लिए राइस्कार भी राइस्टर हो जाता है। देखो मुझे पता है मैं अकेला इन दोनों को कुत्ते की मौत मार सकता हूँ, उसके लिए बस एक डिजर्ट काफी है, लेकिन फिर भी मैं एक लॉन्चर और स्वर्गन ले लिया इनके भले के बारे में सोच। अच्छा इंसान हूँ मैं यार, नोबेल पुरस्कार तो मेरे को मिल ही जाएगा, पक्का तुम हाथ में लिख के ले लो, हाथ पे लिख देना ताकि जल्दी जल्दी मिल जाए, कहीं और मत लिख देना। और इधर मैं कैसे लॉन्चर से वन टैप ग्लू वॉल मार रहा हूँ, देख रहे हो साला कहाँ गया, मर क्यों नहीं रहा है, इधर ही छुप। अरे गया भाई, पूरा मार के देखना होगा मैं राइस्टर मारा या पागल एमटेन मारा भाई मैंने। तुम लोग ना बस घर पे मच्छर और चीटियां मारते रहो, मैं इधर राइस्टर और पागल एमटेन मार रहा हूँ, देख रहे हो कितना पॉपुलर बन गया मैं, लगता है नोबेल पुरस्कार लेके मानूंगा। देख रहा मैंने अगर बोला तो वीडियो के लास्ट में मेरे हाथ तो नोबेल पुरस्कार होगा ही, वीडियो की लास्ट में दिखाऊंगा, रेडी रहना। तुमने एक चीज नोटिस किया क्या, आजकल कुत्तों की भाव कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गया है, हाथ तू तू करके बुलाने से आता भी नहीं साला, मुड़ के भी नहीं देखता। इनको कहीं पता तो नहीं चल गया कि साला देगा तो कुछ भी, बस ऐसे बुला के उंगली करेगा। आजकल का जैसल का कुत्तों का ना अपना क्यूटनेस का बहुत घमंड है, और दो इनको फिल्म, चलो इतना तक तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ते इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बना रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं रीले भी बना रहा है और फॉलोअर भी मेरे से ज्यादा। भाई चुल्लू भर पानी में तैरने की मन कर रहा है भाई, फॉलो कर लेना यार, तुम्हारा भाई का इज्जत का सवाल। क्या बताओ ऐसी नौबत आ गई कि मैं कल गूगल कर रहा था कि इंसानों के कुत्तों के ऐसा पूछ कैसे हिला रहा है, मुझे लगता है कि इंसानों की कोई गलती तो नहीं कर रहा। अब क्या ही कह सकते, अब गेम पे फोकस करते हैं साला, वो राइस्टर साला ऊपर उठ के बैठा है भाई, इतना हरामी है। क्या बताओ उसे तो पता ही है मेरे ऐसे प्लो प्लेयर को आमने सामने नहीं मार पाएगा, तो ऊपर उठ के बैठा है अलो लेके, साला अलो लेके तो भाई आराम से जाएगा, तेज हेल्थ कर रहा है यार, वो तो अभी भी नहीं मर रहा है, एक बार और हेल्थ कर तो मर जाऊंगा। अमर है हम भाई, हमारे पास हमेशा एक सरप्राइज प्लान होता है, वो अलग बात है कि वो प्लान हमें खुद को भी नहीं पता होता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझा रहा है कि BSNL का एंटीना किस लिए लाया गेम पे, क्या करूं मैं इसका। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया क्या, मैं 1v2 खेल रहा हूँ और ऊपर स्कोर भी है 1v2, लेकिन एक सर का मतलब डाउन क्यों हो गया भाई, अभी फिनिश भी होगा, पागल एमटेन फिनिश हो गया भाई, अपने आप एलिमिनेट हो गया। अगर मेरा गेम प्ले देख के इतना ही डर लगता तो जबरदस्ती कस्टम पे क्यों घुस जाते हो भाई, पागल एमटेन बेचारा अकेला राइस्टार क्या ही कर लेगा मेरा। देखा मैंने बोला ना कुछ भी कर सकता है मेरा, लेकिन मुझे मार नहीं सकता अगर इधर नहीं आ जाए तो मेरे को खेलने का मत। अरे आ गया भाई, बस एक मिनट सेकंड के लिए बच गया वो, वरना तुम तो कितना तेज मारता मैं उसे, मतलब उसकी लैंडमाइन लगा निकाल देता भाई, उसको लैंडमाइन उठा के उसी की चड्डी में डालता मैं। अभी ये ग्लोबल के ग्रुप को निकालना है, पीछे लैंडमाइन तो नहीं लगा है, नहीं लगा रहा है, उधर ही लगा रहा है बच क्या, तो बस आन दो उसे भाई, इधर से घेर के मारूंगा लॉन्चर से। लो भाई देख लो, तो अपने लैंडमाइन से खुद खुशी कर रहा है, ज्यादा ही डरा दिया क्या मैंने। दोनों से भी नहीं उपा रहा है भाई ये पागल एंटेन, तो मेरे से डर के एलिमिनेट ही कर। अच्छा अरे बाप रे हबीबी, फिर तो तुम्हारा मार्केट में खप चल रहा होती। अरे हाँ वो थोड़ा सा। अरे भाई तोरा था क्या, पूरा बताओ ना तोर बाजार में तुम्हारा कितना खप चल रहा है, तुम लोग तोर बाजार तोरी कर देते हो। अरे नहीं नहीं क्या बोल रहा, लेट्स चेंज द टॉपिक। चलो मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, मुझे अभी भी याद है वो भी एक जमाना था जब कोई लड़के का मेरे से एक पेंसिल भी मांग लेना, तो मेरे बगल में बैठे हुए मेरे दोस्त तो नहीं बोलूंगा साइकिल चोर, उसकी पेंसिल देने से पहले ही हमारे बच्चों का नाम और हनीमून कहाँ होगा दोनों सोच लेते हैं। इनके चक्कर में मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। यही नहीं अभी और सुनिए, कोई लड़की गलती से भी मेरे साइकिल के बगल में 2 दिन साइकिल भी रख दे लगातार, तो ये शादी करवा के मानेंगे, सोच लो 7 जन्मों तक का प्लान हो ही गया। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है रहते रहते ना मेरे साइकिल के साथ उसको साइकिल का प्यार हो गया था भाई, मतलब जब छुट्टी होता था लोग खुशी और जोश में मेरा साइकिल पूरा लहराते हुए जाता था सांप की तरह। हाँ ऐसे, लेकिन मैं बहुत सारा सा लड़का था, मैं किसी का टाका नहीं भिड़वाता था ऐसे जबरदस्ती, मैं तो खुद ही खैर छोड़ो। लेकिन एक सेकंड, अबे ये तो मेरे वाला ब्रह्मास्त्र यूज कर रहा है चुपके चुपके, इसकी माँ का परोठा, रुक आ जा सामने पूरा मारूंगा। तक अभी ये साल तो ऑफलाइन बंदा है, इसको मार के क्या करूंगा, ये तो ऐसे ही मर जाएगा। देखो मैं दो टाइप का बंदा हूँ कभी नहीं मारता, एक तो जो ऑफलाइन रहता है उसको कैसे मारूं भाई, वो तो मनुबड़ा है ऐसे ही, मतलब उसको मार के क्या फायदा। तो मैं जिनको इजीली मार सकता हूँ उनको मैं मारना नहीं चाहता, और जिनको मैं मारना चाहता हूँ उनको मैं मार नहीं पाता, इतना बड़ा गंभीर समस्या है ना।
सही बोल रहा हूँ। वैसे मुझे क्या पता तुम क्या बोल रहे हो, भी बोलो बोलो जुबा केसरी। लेकिन एक चीज तुमने नोटिस किया क्या, जो लोग जुबा केसरी बोलते हैं उनकी जुबा काला क्यों होता है, मतलब समझ में नहीं आता। ये घुमल वाले स्कैम तो नहीं कर रहे? मेरा क्या, मैं थोड़ी खाता हूँ। बोलो जुबा गुलाबी, ये लास्ट जोन में लॉन्चर चलाना भी बहुत हिम्मत का काम होता है भाई, अपने जान से खेलना। अबे मैंने देखो मैंने बोला था ना मुझे पता है ये नूडल रास्ता मुझे ऐसे ही फंसाएगा, लेकिन इसको पता नहीं मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, जो अभी जाके मैं इसके पिजवाड़े में डाल दूंगा अभी। कोई नहीं, नेक्स्ट राउंड पे डालते हैं। रुको जरा, सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। इस बार तो उड़ उड़ के उड़न खटोला हेडशॉट मारूंगा श्री काजय देवगन की तरफ। राइट साइड से कौन उंगली कर रहा है, कौन है भाई? भाई इधर से भी मार रहा है साला भाई, नीचे उतरना पड़ेगा मेरे को, नीचे उतर रहा, उतर जाओ, उतर जाओ नीचे, उतर के बस मरना जाओ भाई। बच क्या ऊपर साला भीजस का गोली घुसा दिया मेरे अंदर, मेरे अंदर भी स्काइलर का आत्मा है भाई, ग्लोबल मामर की हेल्थ बढ़ा लूंगा, इतने आसानी थोड़ी मार पाओगे मेरे। अब दमन तो तू उड़ के दिखा आसमान में। अच्छा उड़ गया, कोई नहीं जिंदा गाड़ देंगे आसमान में। नीचे उतर गया नुबड़ा, रुको बस मैं वही चढ़ के मारूंगा उसको, पूरा स्ट्रेटेजी से खेलूंगा भाई, मेरा काटना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ठीक है। बचपन में मैं वो काटने वाला गणित बहुत प्रैक्टिस करता था, मेरा कोई इतना इजिली काट नहीं सकता। अरे भैया इस हिसाब तो लड़कियों को मैट में टॉप करना चाहिए। हाँ करती है ना नीचे से, और जो टॉप नहीं कर पाती वो टॉप पहन ही लेती है सीधा। तो ऐसे ही एक टॉप पहनने वाली क्यूट सा नूब सा भीवेज नहीं था, झूठ क्यों बोलूंगा। तो ऐसे एक लड़की को मैं आलो गिफ्ट कर दिया। अब तुम लोग बोलो कि हम लोग मांगते थे डायमंड माइनस में चला जाता, लड़की मांगते कि डायमंड ऊपर से पैदा हो गया। तो देखो ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि डायमंड नीचे से पैदा हो गया। तो मैंने उस लड़की को अपना नंबर भी दे दिया, तो उस लड़की ने बोला देखो मैं एक आलोक से गेम खेल के आती हूँ, गेम खत्म होने के बाद मैं आपको कॉल करके बताऊंगी कि आपका गिफ्ट कैसे लगा। लगता है वो अभी तक गेम ही खेल रही है। सच में आलोक करना बहुत खतरनाक होता है। मैंने भी बोला था कि मैथ में मेरा इतना कट चुका कि मेरा काटना मुश्किल है। अभी भी मी डोंट रन बिहाइंड गर्ल्स मी ओनली ड्रिफ्ट। हाँ ऐसे ही मेरा प्यार में गिरना है, बस वही दिखा रहा था। लेकिन डिस्क्लेमर, हाथ पैर टूट गया तो खर्चा तुम्हारा। मैं भी बहुत बार हाथ पैर तुड़वा के बैठा हुआ हूँ, तभी मैं सख्त हूँ। अब नहीं पिघलता भाई, मैं रात को भी यार लड़कियों की लाइन लगी पड़ी रहती है मेरे घर के बाहर, मैं घर से नहीं निकलता भाई, भाव ही नहीं देता। इतना सख्त हो गया समझो, देखो दो चार लड़की तो हेलुसिनेशन से बेहोश भी हो गया। हेलुसिनेशन चलो कुछ भी हो, एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इनकी पर्स चुराया था। बाय द वे लाइन कभी बड़ा ही लगा है। आज का मोटिवेशन सुन लो गाइस, कोई लड़की अगर तुम्हारा मैसेज सही करके रिप्लाई ना दे तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। हो सकता है बेचारी अनपढ़ उसे टाइप भी नहीं करना आता। अगर तुम्हारे सगर पर तुमको ज्यादा ही भरोसा है, तुम्हें पक्का कि नहीं कि वो इग्नोर ही मार रहा है। उसको पॉजिटिवली लो, सोचो कि तुम कुछ ऐसा ही कह दिया कि लड़की को स्पीचलेस ही कर दिया। अगर तुम्हारा सोच ऐसा ही हो गया ना तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। हर्ट तो छोड़ो, कोई तुम्हारा झाट का बाल भी नहीं उखाड़ सकता बिना पैंट खोले। मैं ऐसे ना गेम पे अपने दोस्तों को मोटिवेट करते रहता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अगर तुझे प्रो प्लेयर बनना है तो इन नुबड़ों के साथ छोड़ दे, नुबड़ों के साथ खेलेगा तो कैसे प्रो प्लेयर बनेगा, नुबड़ों कॉन्फिडेंट कर दे। तो सब लोग मेरे को ही अनफ्रेंड करती है। एक और ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि साइकिल या फिर बाइक चलाते हुए ना रास्ते में परियों का दर्शन मत करने जाना, वरना जम दर्शन भी हो सकता है। तुम लोगों के लिए कितना सोचता हूँ यार, वाह कितना बड़ा दिल है मेरा, मजा आ गया खुद की तारीफ करके। खैर लड़कियां जो सारे खत्म हो गया फाइनली, अब गेम पे फोकस करते हैं। साला स्कोर का उल्टा हो गया, पता नहीं चला भाई ये लड़की वाले जोक्स तो काफी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए किसी लेखक ने क्या खूब गाली दिया था याद नहीं आ रहा है। बहन का घोड़ा बोल तो शायद छोड़ो, ये मैंने BSNL का टावर लगा दिया वो भी हवा पे भाई, टैलेंट देख रहे हो मेरा, यूज नहीं पता वैसे इसका, वैसे ही थोड़ा सेक्सी लग रहा था इसलिए लगा दिया। इसके अंदर मैं अदृश्य हो जाऊंगा लगता है शायद, दो मशीन गन लेके घूम रहा हूं भाई, एक खत्म होगा दूसरा मारूंगा दना दन। लेकिन ये भी तो लगा लिया, ये तो गायब नहीं हुआ अभी तक। अच्छा अब भी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन इसे घर के अंदर कैसे मार रहा है बे, जादू वादू सीख गया क्या राइस्टार भाई, वो भी हाफ डुप्लीकेट राइस्टार। इसकी तो रुक गुलोल को हाथ में लेता हूँ, साले को जोर में अटक के मार दूंगा। तुम सभी देखते जब मैं कैसे खेलता हूँ भाई, स्ट्रैटेजी देखो भाई मेरा, इसको तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं अभी। तो इससे क्या सीखे कि मैं डाउन होने के बाद भी लोगों को नचवा सकता हूँ, वो भी बस दो उंगली से राइस्टार नचवा दिया साला। पूरा मत मानना भाई प्लीज, मार ही दिया साला नकली राइस्टार का बच्चा। अच्छा तुमने कभी चिड़िया उड़ मैंने उड़ खेला है? खेला है तो इस बार से याद रखना, फ्री फायर का कैरेक्टर भी उड़ता है, वो ही स्पेशली मेरे वीडियो में। तो ये सब स्टंट्स एक्सपर्ट के द्वारा किया गया है, तो अपने घर में कृपया ट्राई मत करना। एक्सपर्ट से लॉन्चर चलाना सीखे। ये ले दो दो लॉन्चर घुसा दूंगा, अब कोई कोइंसिडेंस नहीं बोलेगा। ये पूरा उससे क्या बोलते हैं उसे स्ट्रेटेजी से मारा, देखा गोली पूरा उसके GAND के सामने जाके पड़ा। देखो कुछ दिनों से ना मैं एक सीक्रेट चीज नोटिस कर रहा हूँ, तुम सब मेरे अपने से बस तुम्हें बता रहा हूँ, वो ये है कि सुबह को ना चांद नहीं निकलता, तुम्हें ये बात पता है? तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तुम अनपढ़ हो छोड़ो, तुम बस अपने दोस्त को मत बताना ठीक है, किसी को मत शेयर करना वीडियो। गोबर फरा
खत्मा भेजे में। मैं तुम्हें अनपढ़ बोल दिया यार, गलती से पूरा मत मानना यार, अब से अनपढ़ नहीं बोलूंगा पक्का, लेकिन जाहिल कैसा रहेगा? अच्छा अच्छा, मैं जाहिल, मैं गवार, ठीक है, लेकिन गलती से भी नू बंद बोल दिया ठीक है, वरना वरना क्या वरना कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि नू बोलोगे तो एक चम्मच पानी में डूब के मर नहीं जाऊंगा, डरना आता मेरे को। हम गधे है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है क्या? सच्ची में? हाँ, सच्ची में मैं बहुत महान बड़ा अदानी ज्ञानी प्रॉब्लम हूँ। राइस्टर असली हो या नकली, सबका बाप उनके घर में है, अपने आप हिल करके निकल जाऊंगा, किसी को कहीं पता चलेगा। इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भर होना। तुम्हें पता है मोदी जी को आत्मनिर्भर भारत की आइडिया मैंने दिया था? अरे नहीं मोदी जी, गुस्सा नहीं, गुस्सा करना बहुत बुरी बात होती है, गुस्सा थूक दिया। अच्छा कहाँ पे थूकना है? पाकिस्तान के मुंह पे? यही बातें तो बाद में याद आई। इधर मैंने चारों तरफ घेर दिया भाई, अब कहाँ से आएगा? अब सीधा सीधा सीढ़ी से आएगा और पटापट दो हेडशॉट खाएगा, ना नहीं याद आएगा। अब इधर कैसे आ गया भाई? रोड के आगे कहीं से भी घुस जाता है भाई, इसको कुछ भी होता है मैं इसकी नानी याद दिला के दूंगा। ये ले लॉन्च, मेरे को क्यों लगा, मैंने क्या गलती किया बे? अब देखो अब पूरा परफेक्ट फिर से लग गया। लगता है मैं ही सूतिया हूँ भाई, घर के अंदर जो लॉन्चर चला रहा हूँ। सेकंड रुको, मरम पट्टी करना होगा थोड़ा, जान बुझ के कि थोड़ा देर और सांस ले ले, मैं आ रहा हूँ इधर से, सामने आ जाए एक बार फिर। इधर से आ गया, नहीं कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, लैंडमाइन फट गया। गलत सुनते हो यार, कान की दख्ता दिखाओ। अरे कान ही बोला, कुछ और समझ रहे हो क्या? तो उसका भी दिखा लेना। हम गधे? हाँ। नहीं कोई इसको गधा नहीं बोलेगा, इधर सब सियोर है। हाँ सब सियोर है बोला मैं, सब सियोर है कि सब इंसान ही है। इसको लॉन्चर का जलवा दिखाना पड़ेगा। ये ले और लगा ले लैंडमाइन। नहीं नहीं और मत लगाना, और लगाया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, बता रहा हूँ। और इधर सबको बताया कि मेरे को अगर गुस्सा आ जाए तो मैं क्या करूंगा? क्या करेगा भाई? मेरे को अगर गुस्सा आ गया ना तो गेम बैक कर लूंगा मैं। अभी नहीं, लेकिन कस्टम तो मैंने ही बना, कुछ भी कर लूंगा लेकिन गेम नहीं बैक करूंगा। क्या गेम लेकर घूरूंगा? कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। अभी पहले ऊपर चढ़ाया उसको मैं मारूंगा। ये देखो एक गोली कैसे जाएगा, मतलब गोली कैसे अटक जाएगा वो देखने बोल रहा था मैं, देखा। हाँ। चलो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे, बस लाइक कर दो। हाँ कर दो तभी ये वीडियो बहुत आगे जाएगा। फिर बोल रहा अपने दोस्तों को कि मैं लाइक किया था इस वीडियो को, तभी आगे गया। देखो ये वीडियो या फिर ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका, हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। इसके लिए तुम्हारा एक एक छोटी छोटी चीज लाइक कॉमेंट करने से मुझे देखो खत्म नहीं हुआ है अभी, हमारे भाई को अभी मैच भी तो जीतना है। देखो तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, सही सही जवाब देना। सच बताना, जब तुम्हारे पीठ में खुजली होती है तो घर में किसको बुलाते हो? दिल पे हाथ रख के सच सच बोला ना कि आजकल मुझे क्यों इंटरेस्ट है ये सब चीज जानने में। कितना गंदा आदमी हूं मैं। बाय द वे ये बंदा कौन सा वैसे निकल गया, ऊपर ही तो था। इधर एक गोला, इधर तो नहीं है, इधर एक मार्क देखता हूँ, इधर भी नहीं है भाई, कहाँ गायब हो गया भाई? मार्क तो मेरा सीधा सीधा आ रहा है, लगता है नीचे उतार के ही मानेगा मेरे को। नीचे उतरने से मेरे स्कूल का टाइम याद आ गया। मेरे को कभी भी कुछ भी याद आता है। हाँ तो क्या हुआ, सिग्मा मेमोरी पावर है मेरा। हाँ, तो मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मेरे बचपन में छोटा था और मैं स्कूल जाता था। स्कूल में मैं एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हुआ करता था। अबे यार वो सवाल क्यों हो रहे हो, मिडिल क्लास मतलब मैं क्लास के मिडिल में बैठता था। खाली पीली सेंटी हो जाते हो यार तुम लोग हर बात में। अच्छा तुम लोग कमेंट में अपना स्टेट का नाम बता दो, अभी तो देखूं मेरा वीडियो देख के कहां कहां के लोग दांत फाड़ रहा है। ये बंदा क्या कहा भाई, इसके लिए मैं ऊपर से नीचे आ गया, साला मिल नहीं रहा है। ये राइस्टर का नकली आत्मा है क्या भाई, आसमान खा गया फिर जमीन में घुस गया। हाँ गायब हो गया, लगता साला जबरदस्ती इलबेटल करवा के ही मारेगा। इलबेटल का चैंपियन हुआ है मैं, लगा ले कितने जोर लगाएगा। इतने देर तक तो मैं जानबूझ के मार रहा था, अब समय आ गया है पलट के वार करने की, अब समय आ गया है वीडियो खत्म करने की, समय आ गया है गाइस। लेकिन ये क्या है? क्या ये वही चीज है जो तुम नहीं सोच रहे हो? अरे हाँ मैंने अपना वादा पूरा किया, देखो मैंने बोला था कि वीडियो गेम में तुम्हें दिखाऊंगा मेरा महंगा 2 करोड़ रुपए का नोबेल, देख लिया, हो गया शांति, मिल गया तसल्ली, वीडियो खत्म, अब भाग जाओ। फिर भी बैठा हुआ है और देख रहा है क्या लिखा हुआ है इसमें। मैंने बोला रुकने के लिए, हैं फिर क्यों रुक के दांत दिखा रहे हो? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था।